हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है इनके बिजनेस पार्टनरशिप डील की तरफ से। बहुत बड़ी फाइनेंसिंग करने वाला है यस बैंक आने वाले कुछ ही टाइम में, जो कि एक यहां पे हो सकता है गेम चेंजर भी साबित होता हुआ नज़र आ जाए। क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे तो यस बैंक ने बहुत सारी पार्टनरशिप डील ऑलरेडी साइन की हुई है डिफरेंट सेगमेंटेशन में। क्योंकि एक बैंक के पास कस्टमर्स होते हैं लेकिन वो हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं होते, तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पे बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। और यहां पे आगे आपको बताने वाला हूं कि आगे अब इस स्टॉक में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, क्या क्या नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसका अभी सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल के आता है। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करें, आज आपको यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव साइड में क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे, चाहे वो सेंसेक्स, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक या मिड कैप इंडाइसेस भी अगर आप देखोगे, सारी इंडाइसेस आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड में क्लोज होते हुए दिखाई दी हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो आप यहाँ पे देख पाओगे मार्केट में काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि टॉप गेनर कौन कौन से शेयर्स हैं, जिसमें आपको एक अदानी पोर्ट का भी नाम दिखाई दे रहा है। और वहीं आप बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर वन पर अगर आप देखोगे तो बजाज फिनसर्व का नाम देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पे देखो टॉप लूजर में, तो आपको ब्रिटानिया का नाम दिखेगा और इन्फोसिस का नाम दिखेगा, जिसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। अब यहां पे अगर आप देखो तो इंफोसिस में जो गिरावट आई है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहां पे ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज यस बैंक में अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिला है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जब इसने 11 रुपये के सपोर्ट लेवल को तोड़ा था तो यहाँ तक विश्वास करने जैसा सीन समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जो 11 रुपये का इसका जो लेवल है वो सबसे स्ट्रांग सपोर्ट लेवल निकल के आता है। वो जब तोड़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहां से आपको ये फिर से 11 के मूवमेंट पर जाते हुए दिखाई दे सकता है। वही आपको यहाँ पर देखने को मिला भी है। आज करीबन 1.85% की तेजी देखने को मिली, जिससे ये शेयर फिर से अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे वापस लौट आया। कल की क्लोजिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, 10.85 रुपये पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज ये फिर से अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे यानी कि 11 रुपये पे लौटता हुआ नजर आ गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें इसके मार्केट डेप्थ के बारे में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बाइंग साइड्स पे कितने ऑर्डर हैं और सेलिंग साइड पे कितने ऑर्डर हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सेलिंग साइड पे ऑर्डर है वो काफ़ी हद तक कम नज़र आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू बाइंग साइड। तो इसमें अगर आप देखो तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले अगर आप यहाँ पे देखते थे तो सेलिंग साइड पे आपको बहुत ज़्यादा शेयर देखने को मिलते थे इन कंपैरिजन टू बाइंग साइड, लेकिन अब सिनेरियो यहाँ पे आपको उल्टा होते हुए नज़र आया है। वहीं अगर आप बात करें डिलीवरी परसेंटेज के बारे में, तो आज आपको 46% के करीबन डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली। वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कल जब इसमें अच्छा खासा लो बना था तब आपको भयंकर वॉल्यूम देखने को मिला था, लेकिन आज उतना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में, तो मैं आपको डायरेक्टली वो न्यूज़ बता देता हूँ। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही होगी, यस बैंक ने एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप डील साइन करी है व्हील्स EMI करके एक कंपनी है उसके साथ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो पार्टनरशिप डील हुई है वो यहाँ पर जो टू व्हीलर होते हैं उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग दी जाएगी, मतलब उनको यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब यस बैंक के पास कस्टमर बेस भी वैसे तो देखा जाए तो अच्छा खासा है, और ओवरऑल अगर पैसे के मामले में भी बात करें तो वो भी आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी डिसेंट है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हर एक पर्टिकुलर, अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो हर एक बैंक के साथ उतना ज़्यादा चीज़ें या उतनी ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते। तो इससे पहले कि अगर आप यहाँ पर पार्टनरशिप देखोगे
तो यहाँ पे यस बैंक ने इंडिया वोल्ट्स फाइनेंस के साथ भी, आप यहाँ पे देखोगे उन्होंने होम लोन के लिए पार्टनरशिप की थी, क्योंकि इंडिया वोल्ट्स फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो उनके पास काफ़ी अच्छा खासा कस्टमर बेस है होम लोन के रिगार्डिंग, तो वहाँ से एक बड़ी पार्टनरशिप डील प्रोवाइड कराई गई थी जिसकी वजह से इन दोनों ही कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यस बैंक ने व्हील्स EMI करके एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, वो थोड़ा सा अपग्रेड हो चुकी है, उसमें पार्टनरशिप डील साइन करी है। यहाँ पे अगर आप देखो इनको जो मीटिंग निकल के आई थी या फिर कॉन्फ्रेंस अगर आप देखोगे तो उनकी तरफ से निकल के आया, और यहाँ पे जो बोला गया कि ये जो डील है वो दोनों के लिए यहाँ पे आपको विन विन सिचुएशन देखने को मिलेगी, चाहे वो यस बैंक की बात हो या फिर व्हील्स EMI की बात हो। क्योंकि अगर आप देखो तो जो फाइनेंसिंग है वो यस बैंक कराएगी और जो कस्टमर्स है वो व्हील्स EMI लेके आएगी, तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छे खासे प्रपोजल्स यहाँ से सेट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि काफ़ी बड़े नंबर्स को टारगेट किया जा रहा है, करीबन 1 लाख की फाइनेंसिंग करी जा रही है, मतलब 1 लाख टू व्हीलर्स को टारगेट किया जा रहा है पहले के मुकाबले में, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे एज अ टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो अगर ये टारगेट कंप्लीट होता है तो दोनों ही पर्टिकुलर कंपनीज को बहुत बड़ा यहाँ पे मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है, और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको यस बैंक में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है कि जो यस बैंक है वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा है, चाहे वो होम लोन हो या फिर अगर आप को टू व्हीलर लोन हो या फिर और भी सारी चीजों को कंसीडर किया जाए, तो यस बैंक की तरफ से कोई ना कोई स्टेप डेली आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये तो आपको यहां पे पता चल ही जाता है कि जो इनके CEO हैं उनकी इंटेंट क्या है, उनका यहां से मकसद क्या निकल के आता है, और इन सब चीजों का जो मैंने आपको हमेशा से बताया आया हूं कि लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो वो आपको इन सब चीजों का जो इंपैक्ट है वो क्वार्टर वन के नंबर में भी देखने को मिला ही है, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो यहां से सिनेरियो काफी हद तक क्लियर होता नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में यस बैंक आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है, ऐसा यहां से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां पे अभी भी बहुत सारे लोग जो यस बैंक का टारगेट बता रहे हैं वो 6 रुपए या 4 रुपए, तो बहुत सारे लोग तो इसका 1 रुपए का टारगेट भी बता रहे हैं। अब वो तो आगे ही देखा जाएगा कि ये शेयर 1 रुपए जाएगा या फिर 50 से 100 रुपए के बीच में जाएगा, ये सारी चीजें तो आने वाले टाइम में क्लियर हो ही जाएंगी जहां तक लगता है। तो हाल फिलहाल में जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो 20 रुपए का है, कि अगर इसने 4-5 महीने के अंदर भी 20 रुपए का टारगेट अगर इसने फिर से टच कर दिया तो हो सकता है ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न आने वाले टाइम में बना के दे सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो मैंने यस बैंक के बारे में आपको बता दिया, आज का मार्केट सिनेरियो क्या रहा है, कौन कौन से शेयर्स में तेजी थी, कौन से शेयर्स में मंदी देखने को मिली, या फिर यस बैंक के साथ जो डील हुई है वो क्या निकल के आई थी, और अगर कल आप मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की थी जिसमें बायबैक और जो इसकी बोनस की सच्चाई है वो पूरी बताई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हो, उसमें आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।